क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे? क्या वैक्सीन से आप बांझपन का शिकार हो सकते हैं? ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैक्सीन को लेकर अफवाहें तेजी से फैल रही है। देश कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में आ चुका है। महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। इसी वजह से सरकार ने नए साल में किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। दूसरी ओर कुछ शरारती तत्व अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी एक अफवाह है कि वैक्सीन लगवाने से लोग बांझपन का शिकार हो सकते हैं। सरकार ने इस अफवाह का खंडन किया है। वैक्सीन को लेकर ऐसी अफवाहें कोई नई बात नहीं है। पोलियो बीमारी को समाप्त करने के लिए दुनिया भर में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन को अंजाम दिया गया है। वो कोविड से पहले की दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। उस समय भारत समेत कई देशों में ऐसी बेबुनियाद बातें फैलाई गई कि पोलियो वैक्सीन लोगों को बांझ बनाती है। वहीं कोविड 19 के टीके को लेकर फैलाई जा रही अफवाह का खंडन करते हुए PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट किया है। PIB ने कहा, एक वीडियो में कोविड 19 और इसकी वैक्सीन से जुड़े कई फर्जी दावे किए जा रहे हैं। ऐसी भ्रामक वीडियो या मैसेज शेयर नहीं करें। देश में लगाई जा रही सभी वैक्सीन सुरक्षित है। ऐसे फर्जी संदेशों को फैक्ट चेक के लिए हमारे साथ साझा करें। आपको बता दें कि भारत में लगाई जा रही वैक्सीन को WHO भी सुरक्षित मानता है। ऐसे भ्रम फैलाने वाली बातों पर ध्यान न देकर लोगों को तत्काल वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ये न सिर्फ संक्रमण पर लगाम लगाने का उपाय है, बल्कि कोविड के खिलाफ शरीर को लड़ने में सक्षम बनाता है। इसी कारण अब 18 साल से कम उम्र वालों के लिए भी टीके की शुरुआत की गई है। दुनिया भर के कई हिस्सों में बच्चों के लिए कोविड 19 टीका डेवलप करने पर काम चल रहा है।